नमस्ते, मैं मेघा, न्यूज मूवमेंट हिंदी में आपका फिर से स्वागत है। आज की खबरों की सुर्खियां। नालंदा में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार की गर्दन में गोली मारी, आयोग का चला चाबुक, डीजी को हटाने का निर्देश। चरयास्त्री वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित। अवैध कोयले का धंधा यानी काला कारोबार को शिल्पांचल के कई इलाकों में तस्कर अंजाम दे रहे हैं। इशियल के विभिन्न कोलियरियों में तैनात CISF की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, बावजूद अवैध कोयले के डिपो धरल्ले से चल रहे हैं। बीजेपी की जीत के लिए मां काली की पूजा 2 महीने बाद, आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा हंसते हंसते हुए जाए, कहा जितेंद्र तिवारी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बांड से संबंधित सभी विवरणों का पूरा खुलासा करने का निर्देश दिया है, जिसमें अद्वितीय बांड नंबर भी शामिल है, जो के बीच संबंध का खुलासा करेंगे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल 21 मार्च तक। चार का यह भाग प्रायोजित है RICIS रानीगंज द्वारा। वरिष्ठ रिपोर्टर संतराज प्रसाद के अनुसार मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि SBI को संपूर्ण जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है। बांड का विवरण इसने SBI चेयरमैन को 21 मार्च शाम 5 बजे तक उसके समक्ष एक हल्फनामा दाखिला करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया गया कि बैंक ने सभी विवरणों का खुलासा किया है। सुनवाई के दौरान बेंच, जिसमें जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे, ने कहा कि SBI चयनात्मक नहीं हो सकता है और उसे अपने पास मौजूद सभी कल्पना योग्य चुनावी बांड विवरणों का खुलासा करना होगा, जिसमें अद्वितीय बांड नंबर भी शामिल है। इससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच संबंध का खुलासा होगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, तो कहाँ है मछलियाँ और कहाँ रखा जाए पानी, तो एक्वेरियम ही में छुपी है ये सारी कहानी। आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, जहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की मछलियाँ और बेहतरीन एक्वेरियम। आपको आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम में मिल जाएंगी हर तरह के एक्वेरियम इक्विपमेंट, जैसे फिल्टर स्टोन और फिशेस की हर वैरायटी। एक ही नाम, आसनसोल ग्रीन एक्वेरियम, BNR मोड़, अपोजिट रविंद्र भवन, शॉप नंबर 22। फॉर कॉन्टैक्ट कॉल ऑन 9609773040। जमीहारा संग्राम कमेटी के बैनर तले सोमवार को स्थानीय ग्रामीणों ने दुबेश्वरी कोलियरी में मांगों को लेकर प्रदर्शन किया एवं कोलियरी का उत्पादन ठप कर दिया। समाचार का यह भाग प्रायोजित TVS PSJ द्वारा। सैक्टोरिया से वर्किंग एडिटर विकास प्रसाद के अनुसार इस मामले में बारुई पाड़ा निवासी झूलन दास, रूपाली दास सहित अन्य ने बताया कि करीब 3 वर्ष पहले कोलियरी की ओर से गांव की जमीन लेने के लिए हमें नोटिस दिया गया था, इसलिए हमें एक मीटिंग के लिए बुलाया गया। हम लोग मीटिंग में आए, हमसे कहा गया कि सरकारी दर से जमीन की कीमत दी जाएगी और गांव में पानी, जल, रास्ता आदि की व्यवस्था की जाएगी। हम लोगों से एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। इसके कुछ दिनों के बाद हमें सुनने को मिला कि इसलिए कोयला निकालना शुरू भी कर दिया है।
इसके बाद हम लोग ECL के विभिन्न दफ्तरों में गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला। हम लोगों ने अभी तक बार बार इसी प्रबंधन के साथ बैठक की है, लेकिन आश्वासन के सिवा हमें कुछ नहीं मिला। सिर्फ तारीख पर तारीख मिले हैं, लेकिन अभी तक हमारी एक भी जमीन रजिस्ट्री नहीं की है, लेकिन हमें कोई सुविधा नहीं मिली है। पूरण दीते होबे, दीते होबे, दीते होबे, हमारे दाबी मानते होबे, मानते होबे, अविलम्बे क्षति पूरण दीते होबे, दीते होबे, दीते होबे, दीर्घ दिनेर टाल बहाना मानछि ना मानबो ना, मानछि ना मानबो ना, दीर्घ दिनेर टाल बहाना मानछि ना मानबो ना, मानछि ना मानबो ना, दीते होबे, दीते होबे, दीते होबे, अविलम्बे क्षति पूरण दीते होबे, दीते होबे, दीते होबे, हमारे दाबी मानते होबे, मानते होबे, मानते होबे, अविलम्बे क्षति पूरण दीते होबे, दीते होबे, दीते होबे, আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, দীর্ঘদিনের টাল বাহানা মানছি না মানবো না, মানছি না মানবো না, দীর্ঘদিনের টাল বাহানা জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, আমাদের দাবি মানতে হবে, মানতে হবে, মানতে হবে, অবিলম্বে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে, অবিলম্বে ক্ষতি পূরণ দিতে হবে, দিতে হবে, দিতে হবে। ব্রেক কে বাদ আর অধিক খবরো কে লিয়ে বনে রহে হামারে সাথ। প্লিজ স্টেপ ইন হিন্দ কসমেটিক সুপারমার্কেট फर्स्ट फ्लोर असनसोल 713301। प्रोडक्ट्स आर बायोटिक गार्नियर एवर यूथ निविया सहनाज मैमथ O3 प्रोफेशनल लोटस प्रोफेशनल पतंजलि जॉबिस नेचर्स मेंस ग्लो प्लम एम कैफिन VLCC गुड वाइब्स ओला फेम ऑर्गेनिक राजा सुगर लैक्मे वेबलिन लोटस कलर पॉन्ड्स सिल्क मैट्रिक्स लोरियल बेला एटसेट्रा। आवर कॉन्टैक्ट नंबर इज 9126767709। बीजेपी की जीत के लिए मां काली की पूजा। 2 महीने बाद आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा हंसते हंसते हुए जाए, कहा जितेंद्र तिवारी। समाचार का यह भाग प्रायोजित है हिल व्यू हॉस्पिटल द्वारा। आसनसोल से रवि पासवान के अनुसार आसनसोल के पूर्व मेयर तथा भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने मां काली की आराधना। पूरे देश में 400 पार लोकसभा चुनाव में जीत हो भाजपा की, यही कामना थी जितेंद्र तिवारी की। आसनसोल के गोदली मोड़ स्थित मां काली मंदिर प्रांगण में मां काली की आराधना। सैकड़ों की संख्या में भाजपा नेता समर्थक उपस्थित थे। आइए सुनते हैं श्री तिवारी ने क्या कहा। नहीं, हम लोग तो हमारी दिनचर्या में हमेशा जो होता है कि समय समय पर हम लोग विभिन्न मंदिरों में पूजा करते हैं, तो आज भी यहाँ पर देवी स्थान मंदिर में हम लोग पूजा करने के लिए आए थे। पार्टी के सारे कार्यकर्ता मिलकर हम लोग एक साथ पूजा करने के लिए आए थे। क्या लगता है आसनसोल में इस बार क्या होने वाला है? जो भी होगा आसनसोल के लिए अच्छा होने वाला है। मैं ये केवल ये कह सकता हूँ कि जो भी होगा आसनसोल के लिए अच्छा होने वाला है, और आसनसोल के लिए अच्छा हो यही हम लोग चाहते हैं। मोदी जी बोल रहे हैं 400 पार होगा इस बार, लेकिन यहाँ के जो उम्मीदवार हैं तृणमूल के, वो बार बार कटाक्ष कर रहे हैं विरोधियों पर कि 150 में या 175 में ही निपट जाएंगे। क्या बोलेंगे? ना, मैं कहूँगा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी भी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, हंसते बोलते रहें। अभी जिस तरह हंस रहे हैं, 2 महीने बाद भी हंसते बोलते ही यहाँ से जाएँ वो। ठीक बा मदन भैया, महिला लोग का बेटा महिला प्रेसिडेंट ला रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। प्रिया कॉस्मेटिक नियर मीनार केक शॉप GT रोड असनसोल 1। আমাদের শপের নাম আসানসোল প্রিয়া কসমেটিক্স। আমাদের শপ হচ্ছে মিনার কেক শপের ভেতরে। আমাদের শপে সমস্ত রকমের কসমেটিক্স প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে, যেমন মেবলিন, কালার বার, সুগার, ল্যাকমি, প্লাম, লোটাস, এছাড়াও সমস্ত রকম প্রফেশনাল প্রোডাক্ট অ্যাভেলেবল আছে। আর আমাদের দেখুন নাম্বার দেওয়া আছে এখানে, এই নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করতে পারেন। আমাদের হোম ডেলিভারি প্রোভাইড করা হয়।
आवर कॉन्टैक्ट नंबर 9563404288 एंड 8918940868। गार्डन रिज दुर्घटना पर ममता ने जताया दुख, पीड़ित परिवारों को वित्तीय मदद का ऐलान। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एएसपी द्वारा। कोलकाता से इसरार अहमद के अनुसार दक्षिण कोलकाता के मेटिया ब्रुज इलाके में एक 5 मंजिला निर्माणधीन इमारत ढह गई। उन्होंने कहा एक इमारत ढह गई है, बचाव अभियान के तहत अभी 13 लोगों को बचाया गया है। मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। हादसे पर सीएम ममता बनर्जी ने भी दुख जताया है और सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कोलकाता नगर निगम के गार्डन रिज क्षेत्र में एक निर्माणधीन इमारत के ढहने की घटना के बारे में जानकर दुख हुआ। हमारे मेयर, अग्निशमन मंत्री, सचिव और पुलिस आयुक्त, नागरिक, पुलिस, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन अधिकारी और टीमें, एनडीआरएफ, केएमसी और केपी टीमों सहित आपदा को कम करने के लिए पूरी रात साइट पर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा हम मृतकों के परिजनों और घायल व्यक्तियों के लिए मुआवजा देंगे, हम संकटग्रस्त परिवारों के साथ खड़े हैं और बचाव अभियान जारी रहेगा। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। सिटी मोंटेसरी स्कूल 100% स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी, सेपरेट लैब फॉर फिजिकल केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, चिल्ड्रन पार्क, सिटी मोंटेसरी स्कूल। अवैध कोयले का धंधा यानी काला कारोबार को शिल्पा अंचल के कई इलाकों में तस्कर अंजाम दे रहे हैं। ईसीएल के विभिन्न कोलियरियों में तैनात सीआईएसएफ की टीम कई जगहों पर छापेमारी कर रही है, बावजूद अवैध कोयले के डिपो धरल्ले से चल रही है। समाचार का यह भाग प्रायोजित है साइन एकेडमी द्वारा। सूत्रों की माने तो रानीगंज निवासी सतीश बीते कई दिनों से बांसरा में बुलर होटल के पीछे डिपो बनाकर रोजाना लाखों रुपए का अवैध कोयला खरीद कर जमा कर रहा है और फिर बाहर भेजा जा रहा है। बताया जाता है कि ईशियल के सोनपुर कुनुस्टोरिया एरिया अधीन एरिया इलाके की ओसीपी एवं कोलियरी के डीओ के साथ ईशियल के वैध कोयला को कटाई कर या अवैध काला कारोबार में उपयोग कर रहे हैं। कुनुस्टोरिया एरिया की सीआईएसएफ टीम की भूमिका भी इन अवैध काले कारोबार को लेकर सवालों के घेरे में है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध कोयला कारोबार के बारे में सभी को पता है तो क्या सीआईएसएफ को पता नहीं होगा? अगर ऐसा है तो सीआईएसएफ टीम ने इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की? मालूम हो कि इस अंचल में कोयले की लूट जमकर हो रही है, जो बांसरा में डिपो बनाकर अवैध कोयला का कारोबार कर रहे हैं और इस अवैध कोयला कारोबारियों को दिन तो दिन रात में भी सिर्फ चांदी नहीं बल्कि सोना चांदी हो रही है। वहीं सूत्रों का साफ कहना है कि यह काम सीआईएसएफ का है, तो सवाल यह उठता है कि आखिर अवैध कोयला सड़क मार्ग होकर ही किसी न किसी ठिकाने पर पहुंच रहा है, लेकिन पुलिस के स्तर से कोई कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। Run by Unlimited Society affiliated to CBSE Delhi. Special features are low affordable fee structure, smart class, well-trained teachers, indoor-outdoor games, transport facility, co-curricular activities, classes from nursery to 12. It's time for your child to explore the creativity. Thank you. WBTSTA के जिला अध्यक्ष नुरुल, उपाध्यक्ष गांधी, महासचिव बने अतनु। समाचार का यह भाग प्रायोजित एंजल द्वारा। आसनसोल से वशीम खान के अनुसार आसनसोल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तृणमूल कांग्रेस द्वारा शिक्षक संगठन में फेर बदल किया गया है। वेस्ट बंगाल तृणमूल सेकेंडरी टीचर्स एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान का जिला अध्यक्ष
शेख नूरुल हक, उपाध्यक्ष गांधी प्रसाद नोनिया तथा महासचिव अतनु दत्ता को बनाया गया है। वहीं दुर्गापुर के डॉक्टर कलीमुल हक और आसनसोल के राजीव मुखर्जी को राज्य की कार्यकारिणी में शामिल किया गया है। बाल बोधन विद्यालय के शिक्षक गांधी प्रसाद नोनिया को संगठन में जिला उपाध्यक्ष बनाए जाने पर विद्यालय के शिक्षकों के अलावा एसोसिएशन के सदस्य शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। उपाध्यक्ष गांधी प्रसाद नोनिया ने कहा कि संगठन ने उन्हें जो दायित्व दिया है वह उस पर खड़ा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। इस दौरान मनोज यादव, मुकेश झा, डॉक्टर उदास चक्रवर्ती, संजय प्रसाद आदि उपस्थित थे। वहीं वेस्ट बंगाल प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन पश्चिम बर्धमान जिला अध्यक्ष देवारती सिन्हा, उपाध्यक्ष जदुनाथ राय और महासचिव आबिर तरफदार को बनाया गया है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। रेखा मैचिंग, सभी प्रकार के सभी रंगों के मैचिंग पॉपलिन, रूबिया, फैंसी दुपट्टे और फैंसी ड्रेस मटेरियल्स के लिए रेखा मैचिंग पधारे। टीपी मार्केट आसनसोल, मोबाइल नंबर 9635640012। चया श्री वॉलफेयर सोसाइटी द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित। समाचार का यह भाग प्रायोजित है BNM कोचिंग सेंटर द्वारा। कुल्टी से लाली गुप्ता के अनुसार रक्तदान का अर्थ है जीवन दान, लेकिन हर साल गर्मियां आते ही ब्लड बैंकों में खून की कमी हो जाती है। थैलेसीमिया के मरीजों से लेकर ब्लड कैंसर के मरीजों के परिवारों के लिए रक्त इकट्ठा करना असंभव हो जाता है। सभी ब्लड बैंकों में रक्त की कमी हो जाती है। ऐसे में चार्य श्री कल्याण रक्त की कमी को पूरा करने के लिए आगे आया समाज हर साल महाशिवरात्रि के अवसर पर 10 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है और इस मेले के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज के कार्यक्रम में पूर्व पार्षद एवं समाज सेवी रोहित नोनिया, मेला समिति के सचिव उत्तम चौधरी, अनामिका सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। फ्लुएंट स्टडी सेंटर फॉर इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट्स एंड साइंस ग्रुप, फ्री स्पोकन इंग्लिश क्लासेस, क्लास 5 to 12। कॉन्टैक्ट सीके बनवाल 9832239611 एंड अंकित श्रीवास्तव 9641070758। बुद्धा हजरा दुर्गा मंदिर आसनसोल। आयोग का चला चाबुक, डीजी को हटाने का निर्देश। समाचार का यह भाग प्रायोजित है एसके इन्फोकॉम द्वारा। कोलकाता लोकसभा चुनाव की घोषणा के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव BP गोपालिक को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि राजीव कुमार को राज्य पुलिस के DG पद से तुरंत हटाया जाना चाहिए। उन पदों पर नियुक्तियां की जानी चाहिए जिनमें प्रत्यक्ष चुनाव शामिल नहीं है। राजीव के ठीक नीचे का अधिकारी नए राज्य पुलिस महानिदेशक की नियुक्ति तक यह जिम्मेदारी संभालेगा। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से इस पद पर नई नियुक्तियों के लिए 3 नाम भेजने को कहा है। ब्रेक के बाद और अधिक खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉरवर्ड YouTube चैनल न्यूज मोमेंट। फॉर मोर डिटेल्स एंड फॉर एडवर्टीजमेंट कॉन्टैक्ट एडिटर 9563830। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के समन में शामिल नहीं हुए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सोमवार को नहीं आए। ED ने दिल्ली जल बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में समन भेजा है। आम आदमी पार्टी ने भी समन को अवैध बताया और केंद्र की भाजपा सरकार पर केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ED का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ED ने DJB में कथित अनियमितताओं से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में श्री केजरीवाल को सोमवार 18 को पूछताछ के लिए बुलाया था। यह मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत दर्ज किया गया दूसरा मामला है जिसे 55 वर्षीय राजनेता जो आपके राष्ट्रीय संयोजक भी है को तलब किया गया है। श्री केजरीवाल ने इस मामले में अब तक 8 समन जारी किए हैं, उन्हें अवैध बताया है। नालंदा में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार की गर्दन में मारी गोली। पत्रकार की पहचान दीपक विश्वकर्मा के रूप में की गई है जो नालंदा प्रेस जगत में काफी मशहूर है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए अधीक्षक पुलिस ASP अशोक मिश्रा ने बताया कि उन्हें कुछ
बदमाशों की गोली लगने से घायल पत्रकार के बारे में जानकारी मिली। हमें जानकारी मिली कि दीपक विश्वकर्मा जो हमारे बहुत परिचित है पर हमला किया गया है। हमला तब हुआ जब वह राजगीर से बिहार शरीफ लौट रहे थे। शुरुआत में स्थानीय लोगों ने हमें बताया कि वह एक दुर्घटना का शिकार हो गया, लेकिन उनके बयान के अनुसार उसे गोली मार दी गई थी। नालंदा एसपी ने संवाददाताओं से कहा, पुलिस ने कहा कि घटना स्थल से गोली का खोल बरामद कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। घटना स्थल से एक गोली का खोल बरामद किया गया है। बेहतर इलाज के लिए उन्हें पटना रेफर किया गया है, जिसके बाद उनका बयान दर्ज किया जाएगा। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। गौरतलब है कि इससे पहले पिछले साल अगस्त में बिहार के अररिया जिले में अज्ञात बदमाशों ने एक पत्रकार की उनके घर पर कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। रानीगंज बाजार क्षेत्र में एक पत्रकार जिसका नाम विमल कुमार यादव है की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम चल रहा है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने कहा, हत्या स्थल पर डॉग स्क्वाड को बुलाया गया है, जांच जारी है। अब अंत में समय है मूवमेंट कैसमेस का। कीप स्माइलिंग इट इरिटेट्स दोस हु विश टू डिस्ट्रॉय यू। मुस्कुराते रहो, इससे उन लोगों को चिढ़ होती है जो तुम्हें बर्बाद करना चाहते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह पसंद आए तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और आगे की अधिसूचना के लिए बेल आइकन को पुश करना ना भूलें।